हेलो व्यूअर्स, अनबॉक्सिंग इंडिया में आप सबका स्वागत है और मैं हूं इमरान। आज मेरे पास जो डिवाइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिवाइस है। जी हाँ, वीवो Y20i। तो इसी डिवाइस को इस वीडियो में करेंगे अनबॉक्सिंग, जानेंगे इस डिवाइस के बारे में डिटेल्स में, करूंगा इस फोन का रिव्यू। तो गाइस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। कुछ इस तरीके से बॉक्स आपका नजर आता है, इसमें लिखा गया है 3GB रैम, 64GB स्टोरेज, वीवो Y20i। और कुछ इस तरीके से पीछे इस फोन के बारे में लिखा गया है, यहाँ पे दिया गया है 5000 mAh का बैटरी, AI ट्रिपल मैक्रो कैमरा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और यहाँ पे देख सकते हो नेवला ब्लू कलर, 3GB रैम, 64GB स्टोरेज। वैसे में इस फोन में दो कलर है, नेवला ब्लू और डाउन व्हाइट। तो चलिए इसी डिवाइस को फिलहाल यहाँ पे अनबॉक्सिंग करते हैं और जानेंगे इस फोन के बारे में। उससे पहले गाइस, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और यहाँ पे जो ऊपर का शील है, इसे चलिए यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं और बाद में देखेंगे बॉक्स में क्या कुछ कॉन्टेंट्स हमें दिया गया है। और यहाँ पे हमने इस डिवाइस को यहाँ पे शील जो है इसे ब्रेक कर दिया है। अब चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं इस बॉक्स में क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे एक सेक्शन है, इस सेक्शन को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे आपको दिया गया है एक ट्रांसपेरेंट कवर, यहाँ पे सिम इजेक्टर टूल और कुछ डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है। और कुछ इस तरीके से प्रोडक्शन के साथ में ये रहा वीवो Y20i का नेबुला ब्लू कलर। जी हाँ, फ़ोन को ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या कुछ दिया गया है। यहाँ पे आपको एक माइक्रो USB केबल इस फ़ोन के साथ प्रोवाइड कर दिया गया है, टाइप सी नहीं है, माइक्रो USB केबल है। और ये रहा एक अडॉप्टर जिसका आउटपुट है 5V and 2A। तो इस फोन के साथ आपको 18W फास्ट चार्जर नहीं मिलता, लेकिन फ़ोन सपोर्ट 18W फास्ट चार्ज करता है। अब चलिए फिलहाल इसी प्रोटेक्शन से इसी वीवो Y20i को निकालते हैं और देखते हैं इस फ़ोन को और कुछ इस तरीके से लुक्स एंड डिज़ाइन के साथ हमें यह वीवो Y20i नज़र आता है। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लुक्स के साथ डिवाइस डेफिनेटली यहाँ पे नज़र आ रहा है। फ़ोन का बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छा दिखने में है। जी हाँ, वीवो का ब्रांडिंग लगा हुआ है और फ्लैट डिज़ाइन के साथ में आता है। AI ट्रिपल रियर कैमरा, ड्यूल LED फ्लैश देख सकते हो यहाँ पे। पीछे का जो बॉडी है डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, खास करके ये जो नेवला ब्लू कलर है। फ़ोन का जो वेट है 192 ग्राम है और 8.4 mm का थिकनेस के साथ में आता है। और फिजिकल ओवरव्यू को लेकर बात करूँ तो नीचे स्पीकर ग्रिल, यहाँ पे माइक्रो USB पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और 3.5 mm ऑडियो जैक आपको यहाँ पे नीचे की तरफ नज़र आता है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे सिम ट्रे नज़र आता है, ट्रिपल स्लॉट के साथ में ये सिम ट्रे आता है। और इस साइड से देखेंगे तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन और ये रहा पावर बटन एंड फिंगरप्रिंट स्कैनर। जी हाँ, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है पावर बटन के साथ में दिया गया है। पीछे कोई भी फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं है, आपको यहाँ पे पावर बटन के साथ में फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। पीछे का जो बॉडी है यहाँ पे ग्लास जैसा लग रहा है, लेकिन ये जो पीछे का बॉडी है ग्लास नहीं है, पॉलीकार्बोनेट का बॉडी दिया गया है। प्लास्टिक बैग एंड प्लास्टिक फ्रेम के साथ आपको ये डिवाइस नज़र आता है। ओवरऑल लुक्स डिज़ाइन बिल्ड क्वालिटी मुझे डेफिनेटली काफ़ी हद तक अच्छा लगा। वैसे भी इस फ़ोन का लुक्स डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अब चलिए फिलहाल इसी डिवाइस को यहाँ पे सेट कर देते हैं और बात करते हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। इस फोन में आपको IPS LCD दिया गया है, जो डिस्प्ले टाइप है IPS LCD है, डेफिनेटली अच्छा ही है। IPS LCD दिया गया है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, यहाँ पे IPS काफ़ी हद तक अच्छा है। 6.51 inches का आपको यहाँ पे HD+ रेजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले नज़र आता है। जो यहाँ पे रेजोल्यूशन है 720x1600 पिक्सल्स के साथ में आता है। 81.6% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है और यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो को लेकर बात करूँ तो यहाँ पे 20:9 का एस्पेक्ट रेशियो दिया गया है। वैसे मैं पिक्सल डेंसिटी को लेकर बात करूँ 270 का PPI दिया गया है, यानी डिस्प्ले क्वालिटी इतना कुछ खास ज़्यादा अच्छा नहीं है और ख़राब भी नहीं है, लेकिन एवरेज क्वालिटी का यहाँ पे डिस्प्ले आपको इस फ़ोन में नज़र आता है। डिस्प्ले में अगर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कमी लगा तो वो है इस फ़ोन का डिस्प्ले रेजोल्यूशन। फुल HD+ होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे HD+ रेजोल्यूशन के साथ में ये डिस्प्ले आपको दिया गया है। लेकिन डिस्प्ले का कलर वगैरह देख सकते हो डेफिनेटली अच्छा है, ख़राब नहीं है। जो यहाँ पे वीडियोस एक्सपीरियंस हो या फिर गेमिंग के मामले में जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले एक्सपीरियंस मिलेगा वो काफ़ी हद तक आपको अच्छा मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं इस फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में, इस फ़ोन की ताकत कितना होगा।
इस फोन में आपको रैम दिया गया है 3GB एंड 32GB स्टोरेज दिया गया है। अगर बात करें इस फोन की एंड्रॉयड वर्जन को लेकर तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 10 मिल जाता है। फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे लेटेस्ट इस्तेमाल किया गया है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वीवो का फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10.5 दिया गया है और जो CPU दिया गया है ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है 1.8 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। जो प्रोसेसर दिया गया है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का चिपसेट दिया गया है। जी हाँ, 11 नैनोमीटर फैब्रिकेशन में बना हुआ है और इस फोन के जो प्रोसेसर दिया गया है प्राइस के हिसाब से डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया है। एक नया प्रोसेसर है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 चिपसेट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही फास्ट होगा। और इस फोन का GPU को लेकर बात करो तो यहाँ पे एड्रीनो 610 का GPU दिया गया है, यानी 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10 और साथ ही साथ यहाँ पे एंड्रॉयड 10 आपको मिल जाता है। ऑक्टाकोर प्रोसेसर है 1.8 GHz क्लॉक स्पीड के साथ में। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का प्रोसेसर है, बहुत ही अच्छा होगा फ़ोन डेफिनेटली। यहाँ पे गेमिंग के मामले में हो या स्पीड के मामले में फ़ोन का जो ताकत होगा प्राइस रेंज के हिसाब से बहुत ही अच्छा प्रोसेसर दिया गया है अगर ऑफलाइन मार्केट के हिसाब से मैं देखूँ। और सिक्योरिटी को लेकर बात करूँ तो इस फ़ोन में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक दोनों ही ऑप्शन मिल जाता है और पिन बटन के अलावा यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर, फेस अनलॉक मिल जाता है। यहाँ पे साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है पावर बटन के साथ में और बहुत ही फास्ट यहाँ पे सेट हो रहा है। और यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर और फेस अनलॉक चलिए देखते हैं कि किस तरीके से काम करता है। यहाँ पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देख सकते हो, बहुत ही फास्ट होगा, स्लो नहीं होगा। जैसे ही यहाँ पे फिंगरप्रिंट पे टच करता हूँ फ़ोन बहुत ही तेज़ी तरीके से अनलॉक हो रहा है। वैसे मैं आपको कौन सा फिंगरप्रिंट स्कैनर ज़्यादा बेटर लगता है, पीछे या फिर यहाँ पे साइड माउंटेन या फिर इन डिस्प्ले, नीचे कॉमेंट करके आप अपने राय ज़रूर रखिएगा। और यहाँ पे देख सकते हो फेस अनलॉक भी बहुत ही तेजी तरीके से काम कर रहा है। और चलिए दोस्तों फिलहाल बात करते हैं इस फोन की बैटरी परफॉर्मेंस को लेकर। इसमें आपको 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है। जी हाँ, एक हाई कैपेसिटी बैटरी है, फुल डे बैकअप आपको देखने को मिल जाता है। बैटरी बैकअप बहुत ही अच्छा रहेगा और इस बैटरी को तेजी तरीके से चार्ज करने के लिए यहाँ पे 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है। लेकिन फास्ट चार्जर आपको अलग से खरीदना पड़ेगा, इस फोन के साथ आपको फास्ट चार्जर नहीं दिया गया है। और इस फोन की अगर मैं बात करूँ कैमरा फीचर्स को लेकर, इसमें आपको 13+2+2 मेगापिक्सल का AI triple रियर कैमरा मिलेगा। जो प्राइमरी कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है, अपर्चर f1.8 के साथ में आता है। यहाँ पे डेप्थ सेंसर के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। और मैक्रो लेंस के लिए 2 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, अपर्चर f2.4 के साथ में आता है। यानी 13+2+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा है। और जो फ्रंट फेसिंग कैमरा है 8 मेगापिक्सल का है। जी हाँ, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा इस फोन में दिया गया है। और यहाँ पे कुछ कैमरा सैंपल देख सकते हो जो इसी फोन के साथ मैंने यहाँ पे क्लिक किया है और डिटेल मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लो लाइट कंडीशन में भी बहुत ही अच्छी तरीके से फोटोज क्लिक करता है और मुझे कैमरा के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से बहुत ही अच्छा कैमरा इस फोन में देखने को मिल गया। और यहाँ पे फ्रंट फेसिंग कैमरा देख सकते हो 8 मेगापिक्सल का, और जो 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा है इसमें भी काफ़ी ज़्यादा डिटेल आपको देखने को मिल जाता है। यानी कैमरास के मामले में भी यह फ़ोन आपको निराश नहीं करेगा। यहाँ पे काफ़ी सारा मैंने इसी फ़ोन के साथ फ़ोटो क्लिक किया है और आप देख सकते हो वीडियोज़ रिकॉर्डिंग को लेकर बात करूँ इस फ़ोन के कैमरा से, तो यहाँ पे 1080p आपको रियर कैमरा में 30fps सपोर्ट मिल जाता है। और फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ में भी सेम है, 1080p पे 30fps पे वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। अब चलिए फिलहाल बात करते हैं इस फोन के प्राइस के बारे में। इसमें दिया गया है 3GB रैम, 32GB स्टोरेज, IPS LCD के साथ में 6.51 इंचेस का HD+ डिस्प्ले दिया गया है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 460 का ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है, एंड्रॉयड 10 है, फन टच ऑपरेटिंग सिस्टम 10.5 देखने को मिल जाता है, 13+2+2 मेगापिक्सल का AI triple रियर कैमरा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा, 5000 mAh का बैटरी के साथ में 18W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट। और लुक्स डिज़ाइन के मामले में भी फ़ोन बहुत ही मुझे अच्छा लगा। और इस फ़ोन का प्राइस जो इंडिया में रखा गया है वो है 11,490 rupees। जी हाँ, इस फ़ोन का प्राइस से ऑलमोस्ट 11,500 rupees। तो ओवरऑल देखा जाए प्राइस के हिसाब से मुझे काफ़ी हद तक ये डिवाइस अच्छा लगा। थोड़ा सा यहाँ पे रैम में कमी लगा, अगर 4GB रैम हो जाता तो डेफिनेटली ये डिवाइस प्राइस के हिसाब से और ज़्यादा बेहतर होता।
तो यही था दोस्तों इस फोन के अनबॉक्सिंग और इस फोन के बारे में। मुझे प्राइस के हिसाब से फोन अच्छा लगा, वैसे में आपको प्राइस के हिसाब से ये डिवाइस कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इस फोन को लेकर कोई भी सवाल कोई भी सुझाव हो नीचे कमेंट करना ना भूलिएगा, और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए रेड बटन को क्लिक करके और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।